हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लेके के लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। इसके अंदर हम देखेंगे क्वाड्रेंट वाला सिस्टम क्या होता है। क्वाड्रेंट वाला सिस्टम देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से लेकर 90 तक चलेंगे, 90 डिग्री तक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 90 से लेकर 180 तक चलेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। 180 से लेकर 270 तक चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट होगा। 270 से लेकर 360 तक चलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्या होता है, जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं हमारे, वो सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड में साइन और कोसेकेंट को साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और इसके अंदर फोर्थ के अंदर कोस और सेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसकी एक ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर मतलब ए, ऑल पॉजिटिव, स्कूल मतलब साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, टी टी टू मतलब टी टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, और कॉलेज के सी कोस और सेकेंट पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी थीटा लाई कर रहा होगा तो उसको हम सीधा थीटा लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसे पाई माइनस थीटा में से लिखेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो पाई प्लस थीटा के रूप में लिखेंगे, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसको लिखेंगे 2π - θ। 2π यानी कि 360 डिग्री वापस से 0 डिग्री के पास आ जाता है। उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो एक बात और, जो इस लाइन पे होंगे मतलब यानी कि 90 डिग्री या 270 डिग्री इस तरह के कुछ ले रहे होंगे, तो उनके नाम चेंज हो जाएंगे। जैसे साइन कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, कोसेकेंट सेकेंट के अंदर चेंज हो जाएगा, और जो टेंजेंट हो वो कोट के अंदर चेंज हो जाएगा, अगर ये हमारे इस लाइन पर आ रहे होंगे। इस लाइन पर आ रहे होंगे तो नाम नहीं चेंज होंगे, सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज होंगे, और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोट माइनस 87, ठीक है, 0 87 0। सबसे पहले क्या लेता हूँ, 87 बात है, नेगेटिव को एक मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। 87 इसको क्या लिख सकता हूँ, पहली बात है इसको लिखने की बात होती है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1080 माइनस प्लस, प्लस का कितना बचेगा, 210, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 870। ये अब ये सोचोगे कि ये कैसे आया, ये मैंने लिखा है 3 × 360 डिग्री से, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये 2π और ये होगा मल्टीप्लाई 3 = माइनस का 6π प्लस 210, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इससे क्या होगा, इससे नाम नहीं चेंज होगा क्योंकि ये यहाँ पर लाई कर जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हमारा जो एंगल है वो देखो 360 प्लस चल रहा है, तो हमारा किसके अंदर लाई कर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई जाएगी, इससे नाम चेंज नहीं होगा, कोट का कोट रह जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कोट माइनस 6π प्लस 210, तो ये क्या हो जाएगा, कोट 210। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कोट 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ, लेकिन 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि कौन सी लाइन पे है, इस लाइन पे है, खड़ी लाइन पे है, तो नाम चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखिए ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं, उनकी वैल्यूज हैं, जो मतलब निकाली तो जा सकती है लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट होंगे और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ले जाएंगे, तो कृपया करके इनको याद करें, बहुत जगह इनको यूज में लाया जा सकता है, ठीक है। स्क्रीन वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लें और इनको याद करें। इसके बाद इनसे कुछ जुड़े कुछ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहला है ये, ठीक है, साइन 292.5, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए ऐसे करेंगे इसको, साइन 292 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचने की बात है, तो 270 प्लस 22.5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ 273। 273 कौन सी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, आ था ओवर उस लाइन पे था, पड़ी लाइन थी उस लाइन पे था हमारा 270, तो नाम चेंज होगा, नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, कोस 221 डिवाइस। अब बात है इसकी, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस सेकेंड ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमारा साइन तो नेगेटिव होता है, जो
एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो साइन आएंगे ना आगे वो इसी की इस एंगल की उससे आएंगे, ना कि जो बना है उससे आएंगे। तो साइन की उससे आगे जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो साइन साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कितना होता है नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा हमारा नेगेटिव। और को साढ़े बाईस की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कोट सर ये रही एक्स क्या वैल्यू आएगी, माइनस अंडर द रूट टू प्लस रूट टू बाई टू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 15 और साइन 75। साइन 15 की वैल्यू यहाँ से देखिए हमारी क्या है, अंडर द रूट 3 माइनस 1 बाई टू रूट टू, सीधी वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर। और साइन 75 की वैल्यू क्या भाई, ये रही अंडर द रूट 3 प्लस 1 बाई टू रूट टू, या मल्टीप्लाई करनी है जब ये हो जाए ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर सीधी वैल्यू मैंने पुट कर दी, रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू, तो यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थ्री का स्केयर थ्री, रूट थ्री का स्केयर थ्री माइनस वन का स्केयर वन बाई नीचे टू का स्केयर फोर, रूट टू का स्केयर टू, तो क्या हो जाएगा थ्री माइनस वन टू बाई एट, यानी कि वन बाई फोर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर टेंजेंट 75 माइनस कोट 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट 75 माइनस कोट 75। टेंजेंट 75 की वैल्यू है टू प्लस रूट थ्री, और माइनस माइनस कोट 75 की है टू माइनस रूट थ्री, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो टू प्लस रूट थ्री माइनस टू प्लस रूट थ्री, टू से टू टू रूट थ्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टेंजेंट 15 प्लस कोट 15। टेंजेंट 15 की वैल्यू है टू माइनस रूट थ्री प्लस कोट 15 की वैल्यू टू प्लस रूट थ्री, ये कैंसर टू टू फोर, ऑप्शन नंबर सी। देखा कितने आसानी से हमको, देखिए एक बार, टेंजेंट 15 प्लस कोट 15, टू माइनस रूट थ्री प्लस टू प्लस रूट थ्री, इससे ये गया टू प्लस टू फोर। देख सकते हैं इतनी ये इन वैल्यूज की वजह से हम कितनी आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो हमें पता कि ये वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके इन्हें अच्छी तरह से याद करें। तो आगे की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, टेंजेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा की इज इक्वल टू 45 अगर मैं पुट कर दूँ तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, ये बात क्या हो गई हमारी, प्रूव होगी। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, साइन 45 1 बाई रूट टू प्लस कोस 45 1 बाई रूट टू, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई टू रूट टू, रैशनलाइजेशन करो रूट 2 बाई रूट टू, तो क्या हो जाएगा रूट 2 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो थीटा की इज इक्वल टू 45 डिग्री हम पुट कर रहे हैं, तो साइन 90 साइन 91 रूट 2, यहाँ से क्या मिला हमको रूट 2, यहाँ पर 45 वैल्यू पुट करो, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर करके आए साइन थीटा प्लस कोस थीटा के अंदर, तो आंसर बी इज द राइट। नेक्स्ट है देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर में क्या है, ए की वैल्यू अगर मैं को पुट कराऊँ 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 साइन 30 साइन 90 और साइन 90, ठीक है। साइन 30 क्या होता है 1 बाई टू, साइन अगेन साइन 30 1 बाई टू, एंड साइन 91 इज इक्वल टू के, और साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो 1 बाई फोर, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई फोर। कितने आसानी से क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, साइन स्केयर 5 या इस तरह का, तो इसके अंदर मैं दो वैल्यू नारी अलग लिख रहा हूँ, साइन स्केयर 90 और साइन स्केयर 45, इन दो वैल्यू को मैं बाद में देखता हूँ एक बार और बास्ती वैल्यू। तो देखिए साइन स्केयर 85, साइन स्केयर 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्केयर 5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बोलो, लिख सकता हूँ ना, कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्केयर इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 5, और साइन स्केयर 90 इसको चेंज करूँगा तो मैं कोस स्केयर 90 माइनस 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट कोस स्केयर 5, तो पॉजिटिव की पॉजिटिव वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इसी तरह ठीक है क्या हो जाएगा, साइन स्केयर 5 प्लस कोस स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 10 प्लस कोस स्केयर 10, इस तरह से इसको मैं, ठीक है, इस कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा, इसका समेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, इसकी वैल्यू अब ये देखो कितने 5 10 15 ठीक है 20 25 30 35 और 40 कितने हो गए 8, तो इस ये टोटल कितना सम हो गया हमारा 8, और साइंस केयर 90 कितना आता है 1, और साइंस केयर 45 कितना आ जाएगा 1 बाई 2, तो सॉल्यूशन कितना इसका सोल्व करेंगे तो 19 बाई 2, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3, टेंजेंट 4, टेंजेंट 8 है ना। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ टेंजेंट 45 को, वही अलग से निकाल लेता हूँ। और ठीक है, जो टेंजेंट 44, टेंजेंट 45 से नीचे वाले बच गए उनको ऐसे ऐसे रखो, जो टेंजेंट 45 से ऊपर वाले बच गए, जैसे टेंजेंट 89 है, टेंजेंट 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 1। टेंजेंट 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 2 डिग्री। इसी तरह से चलता रहेगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर टेंजेंट 1 और कोट 1 डिग्री, इनकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1। ठीक है, लिख सकता हूँ इसको कैसे, टेंजेंट 1 डिग्री, इसको लिख सकता हूँ 1 बाई टेंजेंट 1, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 1 और टेंजेंट 45 भी कितना होता है, 1, तो सभी का मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, टेंजेंट 188, टेंजेंट 188 की वैल्यू होती है हमारी 0, और 20 20 20 का गैप हमारा चल रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, टेंजेंट 160। टेंजेंट 160 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 160 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 20। ठीक, 180 माइनस 20 कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में नाम तो नहीं चेंज होगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, साइन नेगेटिव। तो टेंजेंट 20 माइनस टेंजेंट 20 जीरो। इसी तरह से इससे पहले का 140 वो इसको जीरो कर देगा, ऐसे ही जीरो चलता रहेगा, और टेंजेंट 180 जीरो होता है, जीरो जीरो जीरो, सबका जीरो का सम कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, समझ गए, या करके देखो, जैसे 1 ए और ले लिया मैंने टेंजेंट, 140 होगा इससे पहले, 20-20 का गैप है, तो 140 वो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 180 माइनस 40। सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। नाम चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 180 अगर 90 और 270 वाले होते तो हम नाम चेंज करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस 306 234, इसको मैं उसी वो क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट की हेल्प से इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। जैसे कोस 306 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस 306 इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 360 माइनस 54। लिख सकता हूँ 360 माइनस 50, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, तो कोस 54। नेक्स्ट कोस 234, कोस 234 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 180 प्लस 54। 180 प्लस 54 ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कोस 54। ठीक है, ये कैंसिल, तो यहाँ ठीक है। नेक्स्ट बच गया अब ये कोस, कोस 162 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम है कोस 180 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट फिर माइनस कोस 18। ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, कोस 54 माइनस कोस 54 माइनस कोस 18 प्लस कोस 18, तो सारा कैंसिल होके क्या बच गया हमारा, जीरो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए टेंजेंट दिस, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर मैं लिखता हूँ टेंजेंट, और ये जो नेगेटिव का साइन इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो टेंजेंट 4 इंटू 360 प्लस 135। कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ी आसानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, 360 के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इंटू 4 को, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि नाम तो चेंज नहीं होगा, और फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, जैसा है ऐसे का ऐसा ही ये रहेगा, माइनस टेंजेंट 135। और 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देखिए, माइनस टेंजेंट 90 प्लस कितना, 45। ठीक है, 90 पे 9 चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कोट 45। अब बात रहती 90 प्लस गया तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव, पहले से नेगेटिव था तो क्या हो गया, पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ गया, 1, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, देख सकते हैं माइनस टेंजेंट 90 फर्स्ट 90 प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट, कोट 45, 1। इसके बाद देखिए नाइन्थ क्वेश्चन है साइन 1 11 10। ठीक है, इसको कैसे चेंज करता हूँ मैं, देखिए आसानी से, साइन ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 3 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 3 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। इसके बाद ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते, नाम चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है कोस 70 729।
थोड़ी इसके अंदर मिस प्रिंट है, 72 नहीं 7 7 3 8 लेके चलते हैं, ठीक है इससे सोल्व करेंगे। ठीक है तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोस कोस 2 × 360 प्लस कितना बच गया हमारे पास 18 डिग्री। ठीक है बच्चों 720 प्लस 18 38, इससे 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव और नाम चेंज नहीं होगा, तो क्या बच जाएगा हमारा कोस 18। और कोस 18 की वैल्यू क्या होती है, कोस 18 की वैल्यू होती है अंडर द रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाई में 4। ये उसी वैल्यू से मैं लेके आया हूँ, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं थे, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा था इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसके अंदर ए पहले में ई की पावर है जो इसको लीव कर रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, तो ऊपर ले को सोल्व करता हूँ तो लॉग 10, इसको मैं पूरे को कॉमन ले रहा हूँ एक मिनट के लिए, तो क्या बच गया हमारा टेंजेंट 1। देखो सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं तो सबकी क्या हो जाएंगे गुना में हो जाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी सुनी होगी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई, तो सारे क्या में किस में हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे, सब किस में हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे, सब किस में हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, सभी मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई वाला मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सोल्व करके दे चुका हूँ, सोल्व करके दे चुका हूँ, तो क्या आता है उसका वैल्यू हमारे पास एक आता है, इसको मैंने कोट में अंदर चेंज किया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर आप देख ले, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई थी 1 और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 और e की पावर 0, e था e की पावर 0 क्या होती है हमारी 1, e की पावर 1 0 क्या होती है हमारी 1, ठीक है e की 0 की पावर क्या होती है 1, तो इनमें ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिफ्थ में से देख के फिफ्थ में करवा दिया था मैंने, चलो यहीं से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट 7π/8, ठीक है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ टेंजेंट, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 8, तो 8π - 1 7π/8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पाई होता 180, पाई होता है 180 माइनस, तो यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया सेकेंड, 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा हो गया सेकेंड हो गया, 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा हो गया सेकेंड, ये बात मैंने वहाँ पे भी लिखी हुई थी पाई माइनस थीटा, सेकेंड में लिखा होगा पाई माइनस थीटा, लिखी थी वह बात आप देख लेना वीडियो के अंदर, ठीक है तो ये हो जाएगा इसे, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ टेंजेंट पाई बाई 8, नाम चेंज नहीं होगा लेकिन साइन चेंज होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है साइन और कोसाइन, तो माइनस टेंजेंट पाई बाई 8, ठीक है पाई बाई 8 क्या होता है हमारा, पाई बाई 8 को सोल्व कर सकते हैं 180 बाई 8 से डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा इतना कुछ, ठीक है तो माइनस टेंजेंट 2 2 1/2, और उसी से जहाँ से वो थी उससे वैल्यू होगी, अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो आप वहीं पे मिलेगी रूट 2 - 1, इसकी वैल्यू होती तो माइनस हमारी तरफ से लगाना होगा हमको, तो रूट 2 माइनस प्लस का 1, ऑप्शन नंबर कौन सा ए। इसी के साथ आज की वीडियो हुई हमारी समाप्त, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।